झूठ बोलूंगा देखो गरीब है तो कोई बात, गरीब से अमीर बनता हूँ, बहुत मेहनत करता है, बहुत फेमस है दरगाह हमारे दरगाह साइन का। तो मैं जा रहा हूँ हेयर कटने सलून जा रहा हूँ, तो फटाफट जाता है हेयर कटिंग सलून करूँ, पता हेयर कटिंग सलून नहीं तो फिलहाल आपको पता हो गया। तो फिलहाल चौल है हमारा मुंबई का चौल, तो जाते हैं फटाफट हेयर कट करते। कल का मेरा टिकट है 4 बजे का टिकट है भोपाल का एमपी का, तो जयप्रकाश का वर्कशॉप रखा है, फुल मजा करेंगे, एंजॉय करेगा अपन, मिलते हैं भोपाल की पब्लिक। अमरेश इसके बर्थडे में तो फुल फायर हो गया था, घर के बाहर हो गया था ये। आज तो काम भी नहीं क्या? आज क्यों? आज किसको दूर बनाने गए? तो ये मेरा दोस्त का सैलून है, ये छोटे से गरीब से सैलून है, कोई बात नहीं, साइन का फेमस है ये। और भाई एक बार कैमरे में हाई बोल मेरे फैंस लोग को। हाँ भाई हाय। आज मेरा कौन सा कट करे, मुर्गा कट करेगा? जो बोलेगा वो कट करेगा। मुर्गा मुर्गी दोनों कट किए। आना भाई। मैं मुर्गा या अमरीश मुर्गी, ये देखो ये मेरा दोस्त मुर्गी है। तो फिलहाल जयप्रकाश का वर्कशॉप रखा, देखो पता है? हाँ पता है। हाँ देखा मैंने उसको। उसको फोन करना। हाँ उसको फोन करना, मैं भी आऊँगा, पूछना। भाई कितना लग जाएगा तेरे को? भाई कितना लग जाएगा? आधा घंटा रुक जाएगा। मेरा अच्छा लुक किया देख, मेरा कैसा लुक चाहिए देखो गाइस। जो गाइस मेरा ऐसा लुक चाहिए, जो ये बाल है ना पीछे का बड्डी, ये पीछे टकला चाहिए ऐसा, स्पाइसी कट रही है। भोपाल जाना तो भोपाल की लड़की लोग देखना चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए। ऐसा चाहिए? हाँ भोपाल में लड़की लोग देखना चाहिए, मतलब मेरे ऐसा चाहिए। हाँ तेरा ऐसा लुक चाहिए, ठीक है ना। तो गाइस भाई का शादी भी हो गया, तो एक बच्चा भी ट्रेंडिंग में चालू है, दूसरा भी चालू है। तो हाँ तेरा भाई, अपना भैया की डायलॉग किधर है? भैया के भैया के फटो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, फटाफट ये लोग करने दो, तो मिलते हैं। तो फिलहाल अभी भाई अच्छा लुक है ना भाई, मेरे को लड़के लोग देखने वाले हैं। अमरेश अमरेश भैया के, अमरेश किधर है? ये मेरा शेर इधर है, सवा शेर इधर है। आ संभाला अमरेश, एमसी जेन की बबली क्या बोलती है? तकलीफ नाक से उंगली डालो। अरे भाई अरे भाई मेरे को भोपाल जाने का यार, लड़की उड़की देखने आ रहा है, शादी में मेरा घर है। तो गाइस ये सीन ऐसा, गरीब सलून में भी ऐसे नाटक कर रहे इधर, मतलब नाक का बाल नहीं कट करना आ रहा इसको, ये मतलब इधर। अरे आपस है भाई, मत कर रहा है, मस्ती का क्या दिमाग खराब कर रहा है इधर। खाली गरीब सलून का एक ही फेमस है, नाक का बाल ज्यादा करता है इधर, ये ज्यादा स्पेशली हमारा नाक का बाल कटता है। ये नाक का बाल नाम तो बताओ, इसका नाम क्या नाम है तुम्हारा सर? तू ही बता, ये कर रहा है संदीप। संदीप संदीप क्या है? संदीप शर्मा, बात में है इसको वर्मा। भाई का लुक देखो कितना अच्छा है, ऐसा लुक भी आपको दिखता रहेगा। तो फिलहाल अच्छा लुक कर रहा भाई, थैंक यू सो मच, ऐसी ऐसी करते रहे ऐसी आगे। और जरूर नाक का बाल इससे भी कट करो, और खबूर से भी कट करो, इससे भी कट करो। ए भाई सब खुल गया, ये सब क्या भाई, सस्ता माल नहीं चाहिए? अरे यार ये सब तो पूरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो गाइस नाक का बाल कट हो गया, भाई ने नाक कट कर दिया, तो फिलहाल पूरा रेडी हो चुका है भाई। मेरा आईब्रो बाकी ना, आईब्रो नहीं कट करेगा तो भाई का भी आईब्रो का लुक। तो मेरा टैटू वीडियो अच्छा चमक रहा है, तो भाई मैं कल जा रहा हूँ घूमने के लिए भी। तो भाई किसी को भी हेयर कटिंग करना है तो साइन का बहुत फेमस है, जो नाक का बाल ज्यादा कट करता है, तो फटाफट कॉल बैक करो। और एक के साथ एक फ्री भी है कटिंग के लिए, तो डिस्काउंट तो भाई को थोड़ा फेमस है, बहुत मेहनत करता है भाई, 10 साल से काम करता है, बस थोड़ा मेहनत नहीं करता, लेकिन मैं इसको मेहनत करके आगे बढ़ाऊंगा, हार के आगे जीत होती है। दिन भर हथियार का उजर करते रहता घर पे ये। और भाई का शादी भी हो चुका है, जो हमारे लिए भाई को बहुत बढ़िया। तो फिलहाल अभी मिलते हैं, फटाफट अभी जाते हैं घर पे, और नाचते हैं। तो मैं समझ आ गई कि नहीं, मेरा बचपन का दोस्त है कि नहीं? हां है सब, मेरा बचपन का दोस्त है, ये भी जो भी भाई ने भी दोस्त है, और एक ही है अपना, ये जो बाल कटिंग कर रहा है, ये बापू जी है, पैसा नहीं कट करने के लिए। तो फिलहाल मिलते हैं, टैटू कर चुका है, और मैम आई अफ्रीका, तो फाइनली जो दिख रहा है नेम टैटू है, तो प्यारा सा एक नेम टैटू। तो मैम आपको टैटू कैसा लगा? I loved it. Non-painful experience. I think he's the best guy in Mumbai. Okay, thank you. Totally recommended.
फिर मुझे बताओ गले में क्या पहने, ये फांसी का फंदा ये दिस इज चोकर। तो मैम, तो गाइस मैम ना बॉडी बिल्डर है, समझो बॉडी बिल्डर मतलब इनका बॉडी इतना फिटनेस है ना, ताकत मैम किसी को तुम मारेगे नहीं अभी तक किसी को, सच्ची बताओ। वो नहीं पता, लेकिन आप कुछ बोलोगे तो मैं आपको तो नहीं करने कभी आओगे मेरे पास? मैं जब भी मुंबई आऊंगी, आई एम कमिंग टू योर स्टूडियो, आई डोंट नो, आई विल फाइंड यू, आई विल गेट यू, एंड बात में भूलोगे ना, याद करोगे ना, भूलोगे नहीं ना मेरे को? नहीं भूलूंगी। तो फिलहाल अभी मिलते हैं मैम, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलकर। मत आप इतने, आप इतना हैप्पी हो ना, मतलब आई एम रियली हैप्पी, सच्ची रियली ऐसे रहना भी चाहिए। आई लव्ड दिस, और तुम्हारे साथ में मुझे जरूर बुलाना, जरूर। On the way, जो सभी मेरा ट्रेन है 4:30 का ट्रेन है, तो 4 बजे निकल गया घर से, खाना भी ना खा लिया, तो पूरा पैकिंग विकिंग हो गया जो आपको दिखता रहेगा। तो फिलहाल जाते हैं भोपाल में, मजा करेंगे, और वर्कशॉप भी है तो मजा भी करेंगे भोपाल में, जितना भी घूमने के लिए एंजॉय है तो सब ट्रिप मजा करेगा। तो मिलते हैं, अभी मैं रेलवे स्टेशन भी आऊँगा, इधर लोकल का इधर, फिर लोकमान तिलक नगर टर्मिनस उधर है जाऊँगा, 2 नंबर पर ट्रेन मेरा आने वाला है, तो अभी जाते वेट करते। बच चुके 4:30 का ट्रेन है मेरा, अभी बच गया 4, फटाफट आया, इतना गर्मी, मेरा चप्पल भी ना जो चप्पल मैंने लिया ना गाइस, सच्ची ना चप्पल में छाला आ गया मेरे को। अरे बाप रे, S12 में है, सीट नंबर 22 है, और इतना गर्मी मुंबई में, इतना गाइस इतनी गर्मी है ना सच्ची, तभी भोपाल जा रहा हूँ, सोचो इतना मैं कंटेंट भोपाल में ब्लॉग बनाऊंगा और नाक का बाल निकल के आऊंगा भोपाल में। भोपाल का ये टेसन गला में रानी कमला और टीम बत्ता टेसन गला में, जब फिलहाल अभी जो जयप्रकाश से कॉलेज, जयप्रकाश से ऑन द वे भी आ रहे हैं, तो फिलहाल जी टेसन देव इतना बड़ा दिख रहा है आपको, और भोपाल में का ठंडी है ना गाइस, सच्ची ठंडी तो बहुत है, तुम समझ जाओ, बस वेट करो, अभी भोपाल आ गया, 5:30 बज गया, बराबर 5:30 बजे उतारा मेरे को भोपाल, तो अभी बाहर जाके थोड़ा चाय भी पीता हूँ, जयप्रकाश का वेट करूँगा, बाइक से हम लोग घर पे आएंगे, थोड़ा रेस करूँगा, आगे सो लूँगा, ट्रेन में सो नहीं पाया बराबर, तो मिलते हैं भोपाल। जस्ट भोपाल पहुंच गया, भोपाल में इतना ठंडी है गाइस सच्ची, इतना ठंडी के कारण कुछ कपड़ा मैंने बराबर पहना भी नहीं, और मैं ट्रेन में बाबर छत्तर भीतर कुछ लेके ना, 2-3 दिन के लिए छत्तर भीतर लेके मुझे ठंडी वी लेगा नहीं, लेकिन आज मालूम पड़ रहा ठंडी भोपाल में है, लेकिन मुंबई में बहुत गर, लेकिन भोपाल में ठंडी बहुत है। और मैं सच्ची में सो गया था, अचानक में जयप्रकाश का कॉल आया था, मैं उड़ गया, नहीं तो मैं आगे जाके मतलब भोपाल के बदला गोरखपुर चले जाता था इधर, मुझे पता नहीं। मॉर्निंग में आ चुका था, नहाया या कपड़ा पड़ा, क्या सीन मेरे से किन का हो गया, मन गया मेरे, मैंने गाई गाई मैंने कपड़ा पड़ा सब भूल गया था, पूरा जयप्रकाश का टी शर्ट पहना, लोअर भी जयप्रकाश का पहना, तो कुछ कपड़ा कुछ लेके ना, मैं खाली 2 जीन्स लेके आया। तो फिलहाल आपको पता होगा अभी जैसे हम लोग जाएंगे सुबह 11:30 बज चुका है, तो फिलहाल जयप्रकाश भाई इतना मेहनत कर रहा ना वर्कशॉप के लिए भाई, तो समझ जाओ कल 8 और 9 तारीख को वर्कशॉप होने वाला, फटाफट मिलते हैं, और कुछ नहीं आपको पता होगा भाई, किधर है एम या एम यू जो लोग आ चुके हैं सब लोग, मतलब सब लोग आधे पब्लिक का जाके मैनेजमेंट करने पड़ेगा, होटल बिटल का कंटिन्यू, रात भर कंटिन्यू हार्डवर्क करेंगे, तो फिलहाल मिलते हैं। आ चुके हैं, मतलब सब लोग कहाँ से रहो भाई, लोग खंबालिया गुजरात, गुजरात खंबालिया, सब लोग आके वेट कर रहे सब बैठे, जो जयप्रकाश भाई अंदर से निकले, क्या पता क्या कर रहे, क्या कर गया, कुछ मुंह धो क्या है, मुंह धो क्या है, तभी बत्ती वत्ती लगाएंगे। फिलहाल आओ, मेरा ये देख पाए, मेरा छोटा सा बच्चा जो मेरा डाडू जी का एक बार मंडल किया था, ए देखो गाइस, तो फिलहाल और रही है, तो अक्की आपको पता है ब्लॉगर ही है फेमस इधर का भोपाल का, तो फिलहाल अच्छा लगा दुकान पे आके, तो फिलहाल मजा आ रहा है, और कंटिन्यू अभी जो जो काम करते हैं फटाफट करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो
तो गाइस पानी देखो क्या सीन हो गया, मैंने ऊपर थोड़ा फ्लैक्स ही चिपका दे, देखो इधर करिए, ये फ्लैक्स के चक्कर में मेरा हाथ में पूरा फेविकिक गिर गया। झूठ नहीं बोल रहा है, ये देखो, ये देखो गाइस दिख रहा आपको, ये देखो मैं आपको झूठ बोलूंगा, देखो ये देखो, ये देखो जो इसका घर है ना, जो ये ना ये मेरे जगह से जी रहे छोड़ के आए इसको। भाई का वर्कशॉप चालू है, वर्कशॉप चालू ऑर्डर दिया तुझे भाई, तेरे से पूरा टाइम काम कर रहा हूँ मैं, अभी से भाजी भी पता चल का टीवी काम करते फटाफट वेज और नॉन वेज कुछ भी लेके तो खाना भी ना लेके जाएंगे, छोटे पे खा लेंगे थोड़ा कुछ स्टार्टर में कुछ खा ले तो बहुत भूख भी लगी है। और इधर का फेमस होटल है, इधर का भोपाल का फेमस जमजम, इधर का बहुत फेमस है जमजम में बिरयानी खाने आ जाओ तो फिलहाल बहुत भूख लगी, गणेश बहुत थक गया, देखो ना गणेश थक गया। तो फिलहाल जैसे अभी खाना पीना खाने जा रहे, तो अभी वे सभी जैसे खाना आया, देखो इतना लेट हो गया, सब खाना पीना बेचारे बहुत भूखे हैं, तो फिलहाल खाना पीना खाते हैं। और ये और जय प्रकाश भाई पीछे कुछ गया फल खाना खाते हैं, देखो